हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, या डिस्कस नहीं बताने वाला हूं आप लोगों को कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था मार्केटिंग स्ट्रेटजी, चलो मैं इस पर एक सीरीज ही लेके चलता हूं, जो जो कंपनी मुझे पता चल पाती है, जिनके बारे में जानता हूं पर्सनली, मेरे फ्रेंड ने काम किया है, मैं काम करता रहा, सुनता रहता हूं, उन्हीं के बारे में आपको बताता हूं। तो यहां पे कुछ कंपनीज आप लोगों ने सजेस्ट किया था मुझे बताने के लिए, सर इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है। तो इसमें से मैंने 5 कंपनी चूज किया हुआ है जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो कंपनीज काम करती हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यहाँ पे जो बताऊंगा एक्चुअली कोर वैल्यूज को ही टच करते रहते हैं। मार्केट कंपनी की मेन थीम होती है, मेन मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सिर्फ यही काम करती है, मेन यही रहता है। इसके अलावा एज पर सिचुएशन, एज पर डिविजनल हेड, एज पर NSM, एज पर ZVM, वो लोग थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, जहाँ पे उनको लगता है बिजनेस जनरेट करना चाहिए, कुछ करना है तो वो भी सब चीज़ें करते रहते हैं साथ में। बट मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताता हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंपनी की, वो कोर में होता है, मतलब मेन यही होता है कंपनी के रन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा पहली कंपनी का, हुआ है माइक्रो लैब्स, ठीक है। माइक्रो लैब्स में मैंने काम किया है, बहुत ही कम टाइम काम किया है, बट काम किया है। मैं माइक्रो लैब को जानता हूँ इसलिए मैंने इस कंपनी को चूज किया, ठीक है। किसी ने मुझे कमेंट करके भी बोला था माइक्रो लैब का फ्रेंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, कि माइक्रो लैब हर एक हेडक्वार्टर के अंदर, उनका देखो इन्वेस्टमेंट तो माइक्रो लैब करती है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करती है अपने कस्टमर्स के ऊपर, बट इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है माइक्रो लैब्स का। माइक्रो लैब हर एक वो दूसरी कंपनी की तरह सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, बट वो सर्विस सिलेक्टिवली होता है, ठीक है, सिलेक्टिवली होता है। एज वेल एज जो इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल होता है वो हेड ऑफिस में जो बंदा बैठा है उसके कंट्रोल में होता है। काफ़ी कंपनीज में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एरिया मैनेजर और मेडिकल रैप के ऊपर डिपेंड करता है, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनसे बार बार बोला जाता है बिजनेस लेके आपने इन्वेस्टमेंट करा दिया, बिजनेस नहीं आ रहा। माइक्रो लैब में ऐसा नहीं है, माइक्रो लैब में माइक्रो लैब के जो डिविजनल हेड है ना, जो अपर मैनेजमेंट है, हायर पोस्ट पे NSM है, डिविजनल हेड है, ये लोग ने क्या किया है कि हर एक हेडक्वार्टर के अंदर 2-3-4 डॉक्टर ऐसे होंगे जिसे डायरेक्ट अटैचमेंट में रहते हैं। कई बार तो नया मेडिकल रैप ज्वाइन करता है उसको मालूम भी नहीं था ये डॉक्टर हमारे कंपनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब वर्किंग करने आते हैं बोलते हैं चलो इसके साथ वर्किंग करो, उस डॉक्टर से मुझे मिलना ही मिलना है, या आते ही बता देते हैं इस 4 डॉक्टर से मुझे मिलना है, फिर नया मेडिकल रैप था उसको मालूम नहीं था उन 4 डॉक्टरों को मिला ही नहीं, ठीक है। ऐसे में केस फंस जाता है, ऐसे में मामला फंस जाता है। अभी वो तो कंपनी का कॉर्पोरेट डॉक्टर था, यहाँ पे कॉर्पोरेट डॉक्टर बनाए जाते हैं। माइक्रो के अंदर क्या करती है माइक्रो, कॉर्पोरेट डॉक्टर बनाती है। अब कॉर्पोरेट डॉक्टर क्या करता है, हेड ऑफिस जो जुड़ा रहता है, उसको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है वो MR को बुला के नहीं बोलता यार मेरी एक्टिविटी करवा दो, या मुझे उस कॉन्फ्रेंस जाना है टैक्सी करा दो, या कुछ भी इस टाइप की सर्विसेज के लिए, वो जो छोटी छोटी सर्विस होती है उसके लिए तो MR को बोलता है। लेकिन जब बड़ी सर्विस की बात आती है तो MR के चक्कर में नहीं पड़ता कि MR मैनेजर को, क्योंकि अल्टीमेटली अप्रूवल वहीं से आना है। तो वो क्या करता है इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है, सीधे फोन लगाता है साहब के पास जहाँ से सारा काम होना है, ठीक है, वहाँ से बोला और वहीं से काम हो गया। अभी ये काम हो गया, MR को मैनेजर को पता भी नहीं चला, MR और मैनेजर को पता भी नहीं चला और काम हो गया। डॉक्टर और डिविजनल हेड के बारे बीच में बात हो गई और बिजनेस देता रहता है वो डॉक्टर, क्योंकि हेड ऑफिस से कंट्रोल रहता है तो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो वहाँ से बिजनेस लेता रहता है। अभी वो प्लान करता है, फिर जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वो प्लान करता है, क्योंकि NSM होते हैं भाई 2-3 महीने में, 6 महीने में एक बार किसी हेडक्वार्टर पर पहुंच पाते हैं, रीच कर पाते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 लोगों के पास में होती है, एक ZVM को मालूम रहता है, ठीक है, जो जोन का जोनल हेड होता है, और तीसरा GM या जो अपर मैनेजमेंट कंट्रोल करने वाला उसके पास में ये डॉक्टर लिस्ट रहती तो मैनेजर के पास में है, अगर वो पुराना हो गया है तो पता चल जाता काम करते करते, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो ZVM वगैरह जब ज्वाइन करते हैं तो उनको इंडक्शन में ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो अब क्या आता है कि वो जब ZVM आता है तो उनसे मिलने जाएगा। अभी नया नया MR काम किया, MR को काम करते सपोज 6 महीने हो चुका है, प्रॉब्लम ये आती है 6 महीने में उसने उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डॉक्टर के ऊपर ध्यान दिया नहीं, और रिपोर्ट छापे पड़ा है कि हम हर महीने 2 बार मिल रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग सारे डॉक्टरों की कंपनी चाहिए। अभी वो इतना फोकस नहीं, बड़ा डॉक्टर है चलो बाद में अभी और जगह काम कर लेते हैं इसके ऊपर बाद में ध्यान देंगे, उस डॉक्टर के ऊपर इतना फोकस नहीं किया। अब अपर मैनेजमेंट काम करने आया उसको लेके वही डॉक्टर पास चला गया, और डॉक्टर ने क्या बोला, अरे ये तो ज़्यादा आता नहीं लड़का, ये तो बहुत कम दिखाई देता, आता ही नहीं। अब यहीं पर लग जाती है मेडिकल रैप की वाट, समझ रहे हो, यहीं पर मेडिकल रैप की वाट लग जाती है। माइक्रो के अंदर ना अपर मैनेजमेंट का फील्ड के अंदर काफ़ी इंटरफेरेंस उन कुछ सेलेक्टेड डॉक्टर के थ्रू,
यही एक रीजन है कि माइक्रो का जो हेडक्वार्टर होगा ना, मोस्ट ऑफ जब ऐसा नहीं सभी हेडक्वार्टर पे ऐसा होता है, बट 90% केस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि माइक्रो का जो बिजनेस कंट्रोल होता है इस सिलेक्टेड डॉक्टर के थ्रू, कभी भी वो डाउन सा बिजनेस नहीं आएगा। जब डाउन से बिजनेस आता है तो वो वहीं से कंट्रोल, वहीं से डॉक्टर को बोल दिया जाता है कि सर थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन बढ़ा दो, तो वहीं से बात बन जाती है। ठीक है, तो ये है माइक्रो की कंडीशन इन्वेस्टमेंट का, पहली कंपनी। ठीक है, इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है। इसके अलावा छोटी छोटी एक्टिविटीज ये गिफ्ट वगैरह भी खाया, इनपुट वगैरह काफ़ी अच्छा मार्केट देती है, हाई वैल्यू भी इनपुट देती है, स्मॉल वैल्यू भी मिक्स करके इनपुट प्रोवाइड करती है माइक्रो लैब्स। ठीक है, दूसरी कंपनी मैंने चूज़ किया है डॉक्टर रेड्डी को। डॉक्टर रेड्डी की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? अच्छा, डॉक्टर रेड्डी ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी है। वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम में विश्वास नहीं करती कि हम पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, नो। ये अपने मेडिकल रैप को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये लोग मेडिकल रैप इनका अच्छा काम करता है, वो बिजनेस लेके आता है। इनका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है कि हम छोटे छोटे इनपुट देंगे, बर्थडे विशेस करेंगे, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस करा देंगे, इस टाइप की स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी करने में ये लोग विश्वास करते हैं। कोई हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करने में डॉक्टर रेड्डी विश्वास नहीं करती। डॉक्टर रेड्डी का मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि मेरा मेडिकल रैप अच्छा रहेगा ना, अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैं रखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस को जनरेट करेगा। ठीक है, तो इनकी कोर में रहता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस लेके आएगा, स्मॉल स्मॉल इनपुट्स दे दो, बड़ा इनपुट को थोड़ा अवॉइड करो, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सीएमई वगैरह प्लान करके करवाते रहो, जिससे डॉक्टर से जो है जुड़ाव बना रहे। दूसरा है मेडिकल डॉक्टर रेड्डी के साथ एक अच्छी बात और भी है कि ये ब्रांड बहुत सिलेक्टिव, बड़े अच्छे ब्रांड लेके आते हैं, रिसर्च ब्रांड लेके आते हैं, बड़ी कंपनीज को परचेज कर लेते हैं, जैसे अभी यूसीबी को परचेज किया था। अभी यूसीबी में क्या है, लिवाज़ोट्राज़ीन नंबर वन है, उनका रिसर्च मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसको परचेज कर लिया था। तो अभी क्या इतना बड़ा मॉलिक्यूल ऑलरेडी आ गया था, अब इसके साथ वर्क करने में मजा आता है, तो कॉन्सेप्ट सेलिंग या रिसर्च मॉलिक्यूल को परचेज करना, ऐसे डॉक्टर रेड्डी ने बहुत सारी कंपनीज को टेक ओवर किया है, तो काम करना इजी हो जाता है मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर जो रेपुटेशन होती है कंपनी की ना वो भी बनी रहती है। ठीक है, तीसरी कंपनी है ल्यूपिन। ल्यूपिन का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल सन फार्मा की तरह है। सन फार्मा में हाई वैल्यू गिफ्ट आते हैं, ल्यूपिन में हाई वैल्यू गिफ्ट नहीं आते हैं, हाई वैल्यू गिफ्ट नहीं देते हैं, ये डॉक्टर के ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हैवी बड़े बड़े महंगे महंगे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, चाहे इंडिया के अंदर हो रहे हो या फिर इंडिया के बाहर हो रहे हो, तो वो सभी जगह जाके ये डॉक्टर को भेजते हैं, स्टे अरेंजमेंट, जाना, ट्रेवल, एवरीथिंग। मतलब सिटी के छोटे डॉक्टर के ऊपर ल्यूपिन कभी भी ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करती है, ल्यूपिन हमेशा सिटी के बड़े डॉक्टर, टॉप जो लीडर्स होते हैं, केओस जो होते हैं, उन्हीं के ऊपर काम करती है, उनके साथ बॉन्डिंग करती है और उनको कॉन्फ्रेंसेज में भेजती है, उनको जो भी सर्विस प्रोवाइड सर्विस जो चाहिए होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। ये सिटी के 2-3-4 डॉक्टर को ही पकड़ लेते हैं, जो एकदम हैवी डॉक्टर होता है, जो बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर जो होगा उसी को पकड़ लेगी कंपनी। ठीक है, अब वहाँ से बहुत बड़ा चंक लाती है बिजनेस का। तो ल्यूपिन की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही है, बड़े से बड़े डॉक्टर को पकड़ लो। ठीक है, सन फार्मा में देखो बड़े डॉक्टर को पकड़ना था, लेकिन उसमें टॉप बिल्कुल डॉक्टर को नहीं पकड़ना है, वो हाई वैल्यू इनपुट देती है, तो बहुत टॉप डॉक्टर के लिए इतना भी वैल्यूएबल नहीं होता, तो टॉप से जो थोड़ा बिलो वाला है ना उस, मतलब पकड़ना तो टॉप वाले को भी है, लेकिन जो बिलो वाला है उसके लिए इनपुट आ जाता है, लेकिन ल्यूपिन के अंदर ऐसा नहीं है। ल्यूपिन तो टॉप डॉक्टर को सब कुछ कर देना है, उसके लिए उससे बिजनेस लेना लेना है। ठीक है, तीसरी कंपनी है एरिस फार्मास्यूटिकल। एरिस फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस स्टडी में काफ़ी चेंजेस आया फ्रेंड, जब एरिस नई नई आई थी ना, एरिस भी इंटास से शायद निकल के आई कि ल्यूपिन से निकल, शायद इंटास से निकल के आई थी, 2008 की शायद लॉन्चिंग है एरिस कंपनी के। आते ही कंपनी ने ना बूम मचा दिया था एकदम से, मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं 2012-13 में था कार्डियक डायबिटीज डिवीजन में, तो कार्डियक डायबिटीज को किसी भी कंपनी में ना, जो स्पेशलिटी सेगमेंट है, स्पेशली सुपर स्पेशलिटी सेगमेंट जैसे कार्डियो डायबिटीज है, न्यूरो है, यहाँ पे स्पेस बना पाना ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज कभी भी लॉन्ग टर्म या क्रोनिक सेगमेंट की मेडिसिन की जब बात आती है तो डॉक्टर न्यूअर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। आज ये कंपनी है, कल को बंद हो गई, तो हमारा पेशेंट उसी मेडिसिन से रिलीफ मिला हुआ, तो हमारा पेशेंट कहाँ जाएगा मेडिसिन लेने के लिए? तो इसलिए कभी भी ना न्यूअर कंपनी में, क्रोनिक सेगमेंट में या फिर सुपर स्पेशलिटी डिवीजन के अंदर स्पेस बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। या फिर आप देखेंगे कोई भी नई कंपनी लॉन्च होती है ना, कभी वो सुपर स्पेशलिटी में या इस सब जगह पे नहीं लॉन्च होती है। अगर कोई न्यू कंपनी सुपर स्पेशलिटी डिवीजन लॉन्च कर रही होगी तो उसके पास बजट बहुत ज़्यादा होगा और फुल फ्लैश्ड विथ रिसर्च मॉलिक्यूल आके लॉन्च करेगी। अदरवाइज जनरल कंपनी ना, जैसे श्रीनिवास जैसी कंपनी है, श्रीनिवास आई थी कार्डियक में काम करती थी, मेडिसिन को बहाना पड़ गया था, पानी के अंदर जलाना पड़ गया था मेडिसिन को, कार्डियो डायबिटिक पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी डिवीजन। बहुत सारी कंपनीज के कार्डियो डायबिटिक डिवीजन फ्लॉप हो चुके हैं, बट एरिस
एरिस ने लॉन्च करते बूम मचा दिया था यहाँ पे। क्या किया था एरिस ने, सबको फॉरेन ट्रिप पे भेजो, सभी डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप पे भेजो, फॉरेन ट्रिप कराओ, जो भी डॉक्टर बोलता है सब कुछ करो, मतलब हाइवली, मतलब आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करो। जैसे अदर, जो मैंने आपको पहले बताया कंपनीज के लिए ओपिनियन फर्म, आंख खोल के इन्वेस्टमेंट करके, पावर है लेकिन एक नहीं है। एरिस ने ऐसा नहीं किया था, एरिस ने क्या करना था स्टार्टिंग में कि यार मेरा ब्रांड ना मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश हो जाए, इसके लिए जो लगना है लगे। तो एरिस वो बजट लेके आई थी शुरू के 4-5 साल ना, एरिस ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया कार्डियो डायबिटीज के अंदर उसने। लेकिन ये बात है, इतना इन्वेस्टमेंट करने पर एरिस प्रॉफिट में नहीं गया, ऐसा नहीं एरिस को बहुत प्रॉफिट हो, क्योंकि आँख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे मार्केट के अंदर, कहाँ करना कहाँ नहीं करना, जरा सी बात हुई इन्वेस्टमेंट कर दोगे भेज दोगे आप, तो पैसा तो खर्चा होगा ही, उससे रेवेन्यू उतना नहीं आएगा, ठीक है, या सारे डॉक्टर से रेवेन्यू नहीं आएगा, तो लॉस में जाओगे। तो एरिस को काफ़ी लॉस भी हुआ उस कंडीशन में, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, एरिस एक ब्रांड तो बन गया, एरिस को जान तो सारे डॉक्टर गए, जितने भी बड़े टॉप डॉक्टर थे सब जान गए भाई ये एक कंपनी है, ठीक है, जिसके पास कैपेसिटी है कंपनी स्ट्रॉन्ग। तो बाद में जब वो इन्वेस्टमेंट 5 साल पर कंपनी के बाद, भाई लॉस तो एक लिमिट तक आप लॉस को झेल सकते हो ना, उसके बाद लॉसेस को नहीं झेल पाओगे आप। तो जब लिमिट क्रॉस हो गई ना एरिस की, अब यार नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम, तो जो बिजनेस था वो, क्योंकि बिजनेस गिव एंड टेक पे चल रहा था, अभी सडन बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा डीग्रोथ आया, जैसे 2015, 2016, 2017, 2018 ये एरिस के लिए बड़ा अच्छा ईयर नहीं था। तो इधर अब एरिस भी देखो किसी MR नहीं लॉन्च किया कंपनी में, मैं आपको जानकारी लिए बता देता हूँ, जैसे बोलते हैं MR इस फील्ड के अंदर ग्रो नहीं करता, MR बहुत ग्रो किए हैं इस कंपनी के, एरिस भी किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने कंपनी में कहा, मेडिकल रहे GM बने, GM लेवल से फिर इंटास से बाहर आके उन्होंने एरिस लॉन्च कर दिया। तो कभी केस स्टडी लेके आऊँगा, एरिस की केस स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो कंपनी ने 4-5 सालों तक जो है काफ़ी जो है बिजनेस काफ़ी डाउन साइड रहा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनके पास काफ़ी लिए इलीगल प्रेशर आने लगा सेल जनरेट करने के लिए, ये सब बड़ी प्रॉब्लम चलती रही एरिस के अंदर। लेकिन हाँ, इतने टाइम में वो ब्रांडिंग डेवलप कर चुकी थी कि इसको बिजनेस दोबारा से उठाने में प्रॉब्लम तो आ रही थी, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है कि कंपनी को हमें बंद करनी पड़ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में कंपनी चलने लगी। प्रेजेंट टाइम में एरिस की सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा सेल आता रहेगा वैसा हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, ठीक है, मिनिमम साइड में लेके चलेंगे, क्योंकि उसने नाम तो बना लिया है, एरिस का नाम बनाना बड़ी बात है, तो नाम भी ये बना के, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि हम शुरू में जब कंपनी लॉन्च करते हैं तो कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कराएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे रिलायंस वाले एक्टिविटी पहले लॉस झेला कुछ जियो ने, उसके बाद जियो सब जान के कस्टमर आ गए, वही साम एरिस ने किया था, शुरू में खूब इन्वेस्टमेंट खोल के किया, सबको बता दिया एरिस कंपनी मार्केट के अंदर आ चुकी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, मेडिकल रैप के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, बिजनेस लेके आओ, ठीक है, जान तो सारे डॉक्टर गए, ठीक है। चलो ये थी, इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट कंपनी फिफ्थ वाली हेट्रो का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा हेट्रो कंपनी के बारे में। हेट्रो कंपनी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, हेट्रो ना देखती है यार कौन सी कंपनी के ब्रांड ना मार्केट के अंदर खूब चल, लियोसेट्रिजिन से लिया या पैरासिटामॉल ही ले लिया, तो 4-5 कंपनी का ब्रांड उठाएगी, देखेगी कौन कौन से चल रहे हैं, उसका प्राइस कितना है, जो ऑन एवरेज प्राइस होगा उससे 1 या 2 रुपए सस्ता कर देना ब्रांड को। अब मार्केट में ये मार्केट में मैसेज दे देना है कि हेट्रो का ब्रांड सस्ता है, अंडरस्टैंड, मार्केट में ये मैसेज दे देना है, क्योंकि हेट्रो काफ़ी टाइम से काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, हेट्रो की अपनी ब्रांड वैल्यू मार्केट के अंदर है, तो डॉक्टर हेट्रो के ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट तो कर सकता है। तो सिफिक जिम हो गया, सेपोडॉक जिम हो गया, एंटीबायोटिक का रेंज हो गया, इन सबको जो मार्केट में ऑन एवरेज प्राइस है उनसे 1-2 रुपए सस्ता करना है, मुझे सस्ते में ब्रांड बेचना है, लीडिंग ब्रांड से अपने ब्रांड को सस्ता करके बेचना है, ठीक है, और बड़ा गिफ्ट नहीं देना है, स्मॉल स्मॉल से गिफ्ट भी देते रहना है जीपी को, ज़्यादा हैवी बड़े डॉक्टर के ऊपर काम नहीं करना है, हमें मिडिल लेवल के काम करना है डॉक्टर के ऊपर, जीपी डॉक्टर के ऊपर काम करना है, अच्छा सा गिफ्ट देना है, सस्ता ब्रांड देना है और उनसे बिजनेस ले लेना है, ठीक है। या तो जीप इसमें हेट्रो में सैंपल गिफ्ट काफ़ी आते हैं, भर के आते हैं जो भी उनका MR होता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी हेट्रो के अंदर, अभी वो कह के कोई और है, अभी तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं तो वही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये थी फ्रेंड 5 कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, जैसे ये लोग मार्केट के अंदर बिजनेस जनरेट करते हैं, जो इनके कोर में है, कंपनी का मेन थीम है मार्केटिंग का, जिसके थ्रू ये बिजनेस को जनरेट करते हैं, ठीक है। और कौन सी कंपनी की आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी जानना चाहते हो आप मुझे भेजो, और ये उम्मीद ना करो कि तुरंत है, क्योंकि जब मुझे बनाना होता है ये सोचना पड़ता है। जैसे कुछ कंपनीज है मैं जानता हूँ, जैसे इसमें कंपनी थी मैं इन सबको जानता था, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी वाला भी मेरा फ्रेंड है, हम लोग साथ में ज्वाइंट वर्किंग किए हैं,
लुपिन वाला भी, एरिस वाला भी, बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। तो मालूम है इन लोग की कोर क्या है, क्योंकि आपस में डिस्कस होता रहता है एज एम आर। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी जैसे कमेंट किया आपने, मुझे नहीं मालूम है, तो पहले मुझे उस एम आर से बात करना पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ सिस्टम क्या है, बिजनेस कैसे जनरेट करते हो, क्या सिस्टम है, क्योंकि एम आर ही पूरी ओपन स्ट्रेटजी बताता है। मैनेजर अपर मैनेजमेंट तो कभी बताया करेगा, मैं कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँगा, तो एमआर है ओपन बता देता है, ठीक है। तो अगर जो आप बताओ मुझे कमेंट करके, कौन सी कंपनी के आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी जानना चाहते हो, क्या कोर है, तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा। और बहुत जल्दी मैं पूरी कंप्लीट एक केस स्टडी कंपनी वाइज भी लेके आऊँगा, जिससे आप कंपनी के बारे में पूरा जान पाओगे, कैसे कंपनी स्टार्ट हुई, कैसे कंपनी ग्रो हुई, और आप भी इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हो एज ए मेडिकल रैप, आप कैसे कंपनी लॉन्च कर सकते हो, कैसे अपने करियर को बहुत हायर लेवल पर लेके जा सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है फ्रेंड, पॉजिटिविटी हर जगह है, बस देखने की ज़रूरत होती है, नज़रिया होना चाहिए हमारा बस, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।